69 न्यूज स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति एक बार फिर लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़ी कुछ नई लेटेस्ट खबरें। जैसा कि आप जानते हैं बी टाउन में इस वक्त सबसे ज्यादा कंगना रनौत को लेकर खबरें हैं। जी हाँ, ट्रेंड कर रही है कंगना रनौत से जुड़ी तमाम खबरें। ट्रेंड कर रहा है हैशटैग वी सैल्यूट कंगना रनौत। अब यहां सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म विवाद को दोबारा जन्म देने वाली कंगना, सुशांत को लेकर बॉलीवुड के खिलाफ कहने वाली कंगना, आउटसाइडर और इनसाइडर नाम के विवाद को जन्म देने वाली कंगना रनौत जब निशाना महाराष्ट्र सरकार पर साध बैठी तो इसका खामियाजा उन्हें किस तरह से भुगतना पड़ा है आप ये देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं आज बीएमसी ने सिर्फ 24 घंटे के टाइम देने के बाद, सिर्फ 24 घंटे का समय देने के बाद बीएमसी ने दूसरे ही दिन कर दिया ऐलान कि वो अब कंगना रनौत के करोड़ों रुपए के दफ्तर को खत्म करके रखेगी। और ऐसा ही किया बीएमसी ने। अपने कहे अनुसार कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके करोड़ों रुपए के दफ्तर को, 48 करोड़ के दफ्तर को पल भर में हाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, बुलडोजर चढ़ाकर तहस नहस कर दिया, फस्त कर दिया उनके करोड़ों की मेहनत को, सालों की कमाई को। अब क्या कंगना रनौत को लीगल नोटिस देने के से 24 घंटे बाद बीएमसी ने ये जो कदम उठाया उसे लेकर कंगना रनौत को क्या महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे तरीके से ट्रीट किया है? क्या कंगना रनौत का आवाज उठाना महाराष्ट्र सरकार को इतना बर्दाश्त नहीं हो सका कि उन्होंने अपनी पावर को इस कदर दिखाया? डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है, डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है, कंगना रनौत ने कहा। और ऐसा ही कुछ हुआ है जो कि कंगना रनौत ने साफ कहा था कि इल्लीगल तरीके से कोई काम उनके दफ्तर में उनके घर पर नहीं चल रहा था। चंडीगढ़ से सीधा मुंबई के लिए रवाना होने वाली कंगना रनौत यहां पहुंचते से पहले ही उन्हें अपने दफ्तर के टूटने का जो गम हुआ है उसे उन्होंने एग्रेसिव तरीके से बाहर निकाला। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जो सरकार ने किया है कैसे गलत किया है। अब सरकार की यहां गलती कंगना रनौत के लिए ताकत बनकर कैसे सामने आई है? कंगना के सपोर्ट में अब तक लोग सामने नहीं आया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कंगना रनौत के, ना तो सलमान खान ना तो अमिताभ बच्चन। कंगना रनौत जो इन सभी बड़े दिग्गजों के खिलाफ आवाज उठा चुकी है नेपोटिज्म विवाद को लेकर, सुशांत के पक्ष में, सुशांत के परिवार के पक्ष में कहते हुए जब उन्होंने ड्रग एंगल को लेकर एनसीबी की मदद करने की मांग उठाई और उन्होंने कहा कि वो सीबीआई की मदद कर सकती है तो उन्हें इस आवाज उठाने का नुकसान ऐसे झेलना पड़ा है। ऐसे में कैसे अब कंगना पड़ेंगी भारी बॉलीवुड के बड़े दिग्गजों पर, बड़े बड़े सुपरस्टार पर जिनका निशाना सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर ऑलरेडी पहले बने हुए थे। आइए हम आपको हमारे स्पेशल रिपोर्ट में कंगना से जुड़ी लेटेस्ट खबर देते हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। जिस तरह आज मेरे घर को तोड़ा है उसी तरह एक दिन तुम्हारे गुरूर को तोड़ूंगी मैं, एक दिन तुम्हारा गुरूर भी टूटेगा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर कंगना रनौत ने आखिरकार अपना गुस्सा निकाल दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं आज सुबह बीएमसी ने ऑर्डर लेकर कंगना रनौत के करोड़ों रुपए के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया बुलडोजर चढ़ाकर, जिसके बाद मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री और पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा। ट्विटर पर वी सैल्यूट कंगना कहकर लोगों ने कंगना की वाहवाही शुरू की और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा ट्विटर पर ही शुरू कर दिया, जिसके बाद कंगना ने अपने प्रहार में भी कोई कमी नहीं रखी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से अब तक कंगना रनौत को कोई बड़ा सपोर्ट नहीं आया। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ हो या फिर खान साहब हो, शाहरुख हो, सलमान हो या आमिर खान, खिलाड़ी कुमार तक ने भी कंगना के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के जेल होने पर अब तक बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी राय रखी और इससे यही बात सामने आती है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई
और उन्हें जिन सेक्शंस के अंदर गिरफ्तार किया गया है, रणसेबी ने जो क्लेम लगाए हैं वो सच हैं, इसके बावजूद एक्ट्रेसेस ने आपत्ति जताई है, क्योंकि यहाँ मामला रिया की गिरफ्तारी का है। नशीले पदार्थ का सेवन करने वाली रिया ने 80% बॉलीवुड इंडस्ट्री पर यही इल्ज़ाम लगाया कि बॉलीवुड के 80% सितारे इसी ड्रग सप्लाई में जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि आपत्ति सेलेब्स ने जताना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अनुराग कश्यप ने सुशांत को लेकर ही उन्हें प्रॉब्लमेटिक बता दिया। ऐसे में कंगना के सपोर्ट में किसी एक का भी सामने ना आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नेपोटिज्म विवाद को शुरू करने वाली कंगना रनौत इस बात को अगर बोल्ड होकर फुल स्ट्रांग मोटिव के साथ अगर ये मोर्चा खड़ा कर रही थी कि वाकई में बॉलीवुड में आउटसाइडर और इनसाइडर का मामला हमेशा चलता रहा है तो ये सच है। अब यहाँ पर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के बेटे के साथ जो कनेक्शन रिया चक्रवर्ती की पार्टी का सामने आया था, सुशांत के खिलाफ जो भी ग्रुपिज्म हुए थे उससे लेकर जो कंगना ने कहा था, ये बात साबित कर बैठे उद्धव ठाकरे BMC को ऑर्डर देकर और सरकार की तरफ से बुलडोजर कंगना रनौत के दफ्तर पर चढ़वाकर 28 करोड़ रुपए के उनके अपनी मेहनत के कमाए गए दफ्तर को पूरी तरह से ध्वस्त कर पूरी तरह से न सिर्फ सरकार फंसी है बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी फंस चुकी है। क्योंकि बॉलीवुड को लेकर भी कंगना ने सीधे तरीके से कह दिया है कि उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगी। कंगना अब पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार है। फुल सिक्योरिटी के साथ मुंबई पहुंचने वाली कंगना रनौत ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी बात कही और कंगना की क्रिटिक्स ने भी महाराष्ट्र में बात करनी शुरू कर दी। दो गुट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बटने के बाद सुशांत के सपोर्ट में कहने वाली कंगना रनौत को लेकर खबर तो आ गई है कि राहत तो उन्हें मिल गई है। इसे सरासर गलत बताया गया है, लेकिन कंगना रनौत की ये धमकी इस वक्त ना सिर्फ सरकार बल्कि बॉलीवुड के लिए भी बहुत भारी पड़ गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दर्शकों, ये था हमारा आज का बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत को लेकर। जाना आपने किस तरह से कंगना रनौत इस वक्त विवादों में है, कैसे कंगना रनौत को लेकर ये खबरें चर्चा का विषय बनी है कि कंगना वाकई में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े सितारों को अपने निशाने में लेने के लिए। कंगना रनौत ने जो कदम उठाया था उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा है, लेकिन वो अब चुप नहीं रहने वाली और कंगना की सपोर्ट में उसी तरह से पब्लिक है जिस तरह से सुशांत की सपोर्ट में पब्लिक है, रिया की सपोर्ट में बॉलीवुड है, लेकिन कंगना के लिए बोलने वालों की यहाँ कमी है। तो कंगना स्टार किड्स के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है और कंगना रनौत का ये दम यही ताकत है जो हमेशा कंगना को बाकी से ना सिर्फ अलग हटके साबित करता है बल्कि बाकियों के लिए भारी भी पड़ जाता है। दर्शकों, अब आपकी क्या राय है? BMC ने जो किया कंगना रनौत के दफ्तर में बुलडोजर चढ़ाकर और इस तरह से तहस नहस कर 24 घंटे का समय देने के ठीक बाद जो उन्होंने किया है कंगना की गैर मौजूदगी में उनके दफ्तर के साथ, इस पर क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? आपकी कमेंट बॉक्स में हम कमेंट का इंतजार करेंगे और आप अपनी राय जरूर दें, रिव्यू जरूर दें, हम जरूर कहना चाहेंगे ताकि आपकी बातें हम पब्लिक तक और लोगों तक पहुंचा सके। तो कमेंट करें हमें और यहीं पर फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। जी हाँ, शो के साथ मैं होस्ट आपकी तृप्ति लेते हूँ आपसे विदा। फिर लौटूंगी नेक्स्ट 9 न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, अगले प्रोग्राम के साथ। देखते रहें इस चैनल को और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।